ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरण पर होगा। वर्तमान में काल अर्थात ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा, क्या घटेगा, ये लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब भी कहीं प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन से ही उसे बचाएगा। आओ जानते हैं कि कलयुग में संबंध में ग्रंथों में और कृष्ण द्वारा क्या कहा गया है। श्री कृष्ण ने इस प्रकार किया कलयुग का वर्णन। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ, कर्म में कुछ, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित होंगे और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशु पालन हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोमाया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो वो रोएंगे, मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बंद कर रह जाएंगे और उनका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनी लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च करेंगे, किंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा हो तो उसे नहीं देखेंगे, उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और वासना में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा या पतित जीवन। धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि के नाम से, हरि के नाम के एक छोटे से पौधे से ही मनुष्य का जीवन का पतन होना रुक जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।